भोपाल में रह रहे एक हंसते खेलते परिवार ने ऑनलाइन जाल में फंसकर मौत को गले लगा लिया। पिता ने पहले अपने दो बेटों को जहर देकर मार डाला, फिर पत्नी सहित फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार को दंपत्ति के सब घर में फांसी के फंदे पर लटके मिले थे। दोनों बेटों को जहर देने की बात सामने आई है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, इसमें कर्ज का जिक्र है। बताया जा रहा है कि युवक का मोबाइल हैक कर अश्लील फोटो एडिट कर उससे पैसे की मांग की जा रही थी। पूरी घटना का जिक्र मृतक ने अपने सुसाइड नोट में किया है। स्कैम में फंसे दंपत्ति ने पहले अपने बच्चों को जहर देकर मार डाला, इसके बाद खुद फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या की। इस वक्त हम भोपाल के रातीवड़ स्थित शिव विहार कॉलोनी में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो घर आप देख रहे हैं इसी में जो है वो दंपत्ति रहते थे, भूपेंद्र विश्वकर्मा और उनकी पति ऋतु विश्वकर्मा। और ऑनलाइन स्कैम, ऑनलाइन जो है कंपनी के झांसे में आकर के काफ़ी सारा पैसा इसमें भूपेंद्र ने इन्वेस्ट किया था। इसके बाद लगातार वो कर्ज उन पर चढ़ता गया। बाद में करीब जो है 17 लाख की डिमांड उनसे की गई थी, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनका लैपटॉप और मोबाइल हैक कर लिए गए थे और उसका जो प्राइवेट डाटा था उसके जरिए जो स्कैमर हैं, जो हैकर हैं, उन्होंने जो है गलत तरीके के वीडियो बनाए, एडल्ट वीडियो बनाए और यही अश्लील वीडियो उनके कॉन्टेक्ट में उनके रिश्तेदारों को, उनके जानने वालों को भेजे जा रहे थे, जिससे परेशान होकर के जो भूपेंद्र विश्वकर्मा हैं उन्होंने पहले अपने दोनों बेटों को जहर दिया और जब उनके मरने की पुष्टि हो गई तब दोनों पति पत्नी ने फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। भोपाल के नीलवड़ क्षेत्र की शिव विहार कॉलोनी में रहने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा कोलंबिया बेस्ड एक कंपनी में ऑनलाइन जॉब करते थे। भूपेंद्र पर कर्ज था, उनका लैपटॉप और मोबाइल हैक कर उसमें मिले कॉन्टैक्ट पर एडिट अश्लील वीडियो वायरल कर दिए थे। इससे परेशान भूपेंद्र ने अपनी पत्नी ऋतु के साथ सुसाइड कर लिया। इससे पहले उन्होंने अपने दोनों बेटों को जहर दिया। इस मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। 5 सदस्यीय एसआईटी में एडिशनल डीसीपी, एसीपी टीटी नगर, टीआई रातीवड़, टीआई टीटी नगर और साइबर क्राइम टीम के 2 पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है। शिव विहार कॉलोनियों में पड़ोसियों ने बताया कि मृतक भूपेंद्र विश्वकर्मा का परिवार खुशहाल था, कभी पता नहीं लगा कि वह ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं। नहीं, उनका तो बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छे लोग थे, मगर पता नहीं उन्हें क्या मतलब परेशानी थी अंदर। उन्होंने किसी को नहीं बताया, कभी भी किसी को मतलब ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम परेशान हैं, मगर अंदर ही अंदर उनको क्या परेशानी थी, उन्होंने ऐसा कदम उठाया मालूम नहीं। बहुत अच्छी थी, हम तो इधर से निकलते थे, हमारी मतलब विश्वकर्मा है, वो भी हम भी विश्वकर्मा हैं, अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। अब वो तो बहुत पहले से रह रहे हैं, हम तो अभी आए हैं, 2-3 साल हुए हमें, 2 साल, मगर 2 साल से देख रहे हैं बहुत मतलब अच्छा परिवार था, अच्छे लोग। इधर परिवार के सबों को पैतृक गांव रीवा के अम्बा गांव ले जाया गया, जहां पर परिवारजनों ने सबों को नेशनल हाईवे पर रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने सरकार से परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि और 1 सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है।